नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। चकिया के बारा गोविंद व स्वांगिया गांव के लोगों ने किया है सड़क जाम। जाम में फंसे सैकड़ों गाड़ियां, दोनों गांव के सैकड़ों महिला पुरुष जाम कर दे रहे हैं धरना। स्लुइस गेट खोलने से दो गांव के सैकड़ों घरों में घुसा है पानी। चकिया थाना सहित अंचलाधिकारी पहुंचे जाम स्थल पर। पिछले कई महीनों से घरों में बरसात व बाढ़ का पानी नहीं निकलने से आज दो गांवों के लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा व देखते ही देखते दो गांव के सैकड़ों महिला पुरुष सड़क पर उतर गए व बांस बल्लियों व पेड़ से चकिया मधुबन रोड को घंटों जाम कर दिया। मामले की मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के चकिया के बारा गोविंद व स्वांगिया के सैकड़ों घरों में पानी घुसा था, जिसके कारण दो गांव के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए थे। वे अधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास बार बार मिन्नतें करने के बावजूद जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आजिज होकर आज दोनों गाँव के ग्रामीण सड़क पर उतरे व जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि स्लुइस गेट खोलने के कारण दोनों गाँव के सैकड़ों घर जलमग्न था और कोई देखने सुनने वाला नहीं था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे और अधिकारी चैन की बांसुरी बजाने में मस्त थे। जब ग्रामीणों का सब्र का बांध टूटा तो मजबूरी में रोड जाम किया गया है, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। जाम किया आपने? दिक्कत यही है सर कि पानी के वजह से हम लोग को घर में पानी घुस गया है। अच्छा, उसके वजह से हम लोग कैमरा उठवा दिए हैं। कैमरा उठवाने के बाद पानी निकल रहा है, लेकिन आगे वहाँ पानी रुक रहा है। वो सरकारी जमीन है, उसको चिरवाने के लिए वो खेत वाला जो फ्रंट सामने है वो रोक रहा है, इसीलिए जाम लगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजर सर हुआ। कहाँ घर हुआ? बारा गोविंद। यहाँ पे ये जो स्लुइस गेट है, यहाँ से पानी की निकासी होती है। ठीक, इस साइड में इस साइड का लेवल अभी पानी घिरा होने के कारण दोनों इक्वल हो गया है। आगे कुछ सरकारी जमीन है, 15 फीट कुड़ाई कर दिया जाएगा तो इधर का पूरा पानी निकल जाएगा, जिससे कि समथिंग 5000 लोगों का घर में जो पानी घुसा हुआ है और 5000 लोगों का जो फसल डूबा हुआ है वो सब सुरक्षित हो जाएगा। 1000 एकड़ से ऊपर धान डूबा अभी सब सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन 15 फीट जो गड्ढा कोड़ देने के बाद, लेकिन 15 फीट जो गड्ढा कोड़ा जाएगा वो सरकारी जमीन में है, लेकिन उसके बगल में जिनका निजी जमीन है वो लोग जबरदस्ती जबरन नहीं कोड़ने दे रहा है कि हम लोग का इसके कोड़ने से हम लोग का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, कोड़ने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सरकारी जमीन है वहाँ पे, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कोड़ने नहीं दे रहा है, जिसके वजह में हम लोग 3 दिन से लगातार प्रयत्न कर रहे थे और दोनों पंचायत के मुखिया भी आकर के आपसी मैटर सुलझाने का बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने हैं और वो लोग विवाद पे उतर आए कि नहीं हम लोग कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुराग देव हुआ। कहाँ? मेरा बड़ा गोविंद घर हुआ। क्या समस्या है? मेरे ग्राम पंचायत सोनिया से मैं आता हूँ। ग्राम सोनिया मलाई टोला हुआ, वहाँ पे सारे घर में पानी घुसा हुआ है, रोड पे पानी है, वहाँ के पब्लिक को काफ़ी मैंने आने जाने में कठिनाई है, यही सब सारी चीज़ है वहाँ पे। इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे खनने के लिए आए हैं कि 15 फीट अगर रोड यहाँ पे नाली कितनी बना दी जाती है तो पानी वहाँ का निकासी हो जाएगी। समस्या का समाधान हो जाएगी? नहीं होगा सर, इसी के लिए हम लोग आग्रह विनती करने आए हैं। आग्रह विनती इस तरह किया जाता है तो यहाँ पे मैंने जो जितने भी सरकारी जमीन में सर कभी तो अलग होता है। दूसरा सर विनती क्या किया जा सकता है सर? क्या करेंगे हम लोग? लिखित दिया है सीओ को, हमने सीओ साहब को फोन पे सूचित किया है, लिखित दिया है आप लोग यहाँ पे। सर एक मिनट मेरी बात सुना जाए, यहाँ पे स्थानीय दोनों पंचायत के स्थानीय मुखिया यहाँ पे आकर के आपसी मैटर को बहुत सुलझाने की कोशिश किया है कि जिस तरह से काम हो जाए, यहाँ का पानी बहाव हो जाए। यहाँ मुखिया जी लोग किए, पर उसका एक जानकारी आधिकारिक रूप से होना चाहिए था। आधिकारिक रूप से उनको सीओ साहब को 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया गया, वीडियो साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे अभी कोई नहीं है, स्पॉट पे कोई नहीं पहुँचा।